तो जहाँ तक कार्ल मार्क्स की बात है, कार्ल मार्क्स की हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी देखी, उसकी हमने इन जनरल कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और चीज़ें भी देखी है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कार्ल मार्क्स की स्टेट भी, और आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल और द व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स ऑन क्लास। और जहाँ तक क्लास की बात है, तो उन्होंने वहाँ पर थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल पहले ही दी है, जिसमें वो कहता है जो डोमिनेशन रहती है ऑलवेज सोसाइटी में, दो क्लासेस होते हैं, वन इज़ अपर क्लास, अनदर इज़ लोअर क्लास। और जो अपर क्लास होता है वो हमेशा डोमिनेट करता है बाकी लोअर क्लासेस पे। और ये जो एक क्लास जो ताकतवर क्लास होता है, चाहे वो माइनॉरिटी में हो मेजॉरिटी में हो, लेकिन वहाँ पर जो था कैपिटलिस्ट सिस्टम में, वहाँ पर वो माइनॉरिटी में थे, एलीट्स थे, वो हमेशा डोमिनेट करते थे बाकी मेजॉरिटी क्लासेस पे। तो जब एक क्लास सोसाइटी में दूसरे क्लास पे डोमिनेशन दिखाता है, रूल ओवर करता है, तो वहाँ पर डेफिनेटली क्लास वार हो जाता है। ये क्लास वार क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जैसे वहाँ वायलेशन होती है इकोनॉमिक राइट्स की होती थी, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं इन जनरल वहाँ मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर होता था, वहाँ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होती थी। एक क्लास ज़्यादा पावर था, पावरफुल था, और दूसरे क्लास पे वो डोमिनेट कर रहे थे। तो इसी तरह जो थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल है, वहाँ पर ये एक क्लास दूसरे क्लास पे रूल करता है, एक क्लास दूसरे क्लास पे रूल करता है, वहाँ मिसयूज ऑफ पावर हो जाता है, और दैट रिजल्ट, दैट मिसयूज ऑफ पावर वाज ऑलवेज रिजल्टिंग इन एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द लोअर क्लास, ऑफ द गवर्न्ड क्लास, ऑफ द रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास। और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन आती थी, वो आती थी इसी रूलिंग क्लास में, जिन पे रूल किया जाता था। तो रूलर्स क्लास इन पे डोमिनेट रहते थे इन द फॉर्म ऑफ हेव्स और कैपिटलिस्ट्स और बर्जुआइज, तो वो हमेशा उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, क्योंकि दे वर मिस यूजिंग द अथॉरिटी एज दे वर कंट्रोलिंग ऑल द सिस्टम्स। यू विल नो अबाउट इट इन दिस वेरी लेक्चर। तो जो वहाँ पर थी, जो थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल थी, उसमें कार्ल मार्क्स ही बताता है, ये जो फ्रॉम टाइम्स मेमोरियल, ये आप हिस्ट्री में भी देखेंगे, पास्ट हिस्ट्री जो थी, एक क्लास ने दूसरे क्लास को डोमिनेट किया है, तो थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में भी कार्ल मार्क्स यही कहता है कि एक क्लास दूसरे क्लास को डोमिनेट करता है, और इससे क्या हो जाता है, ये जो क्लास डोमिनेशन में होता है, ये अथॉरिटी को मिसयूज करता है, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूट हो, इकोनॉमिक और पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ मिसयूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी करते हैं, दैट रिजल्ट ऑलवेज इन क्लास वार बिटवीन द टू क्लासेस। उसके बाद वो जब ये क्लास वार स्टार्ट हो जाता है बिटवीन द टू क्लासेस, तो वहाँ पर बाउंड होता है रिवोल्यूशन। वाई ये रिवोल्यूशन क्यों हो जाता है? वाई रिवोल्यूशन्स टुक प्लेस, वाई रिवोल्यूशन्स आर अकरिंग इन द सोसाइटी इन द नेशन? बिकॉज नेशन हो या सोसाइटी हो या स्टेट हो, इट फेल्ड व्हेन इट फेल्स टू कीप पेस, व्हेन इट फेल्स व्हेन सोसाइटी व्हेन नेशन व्हेन स्टेट फेल्स टू कीप पेस विद द सोशियो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल डेवलपमेंट्स। When society or nation fails to keep pace with socio-economic and political change, a revolution is bound to occur. And according to Marx, a revolution will occur not through peaceful means, but through force. So revolution is bound to occur when society or nation is not keeping its pace with socio-economic and political changes around. So revolution is bound to occur then. And according to Marx, revolution won't be there through peaceful means, but it would be there because of the force. उसके बाद वो अपने क्लास स्ट्रगल या क्लास थियरी में बताता है पास्ट हिस्ट्री के बारे में, एज दी उन्होंने एक जो फेमस सेइंग है उनकी, होल हिस्ट्री जो रही है, इट हैज़ बीन सो फार अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स बिटवीन द क्लासेस, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द क्लासेस। तो जैसे मैंने पहले में बता दिया, जो थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल मैंने आपको बता दी, वहाँ एक क्लास दूसरे क्लास को डोमिनेट करता है, एंड सेम इज़ द केस हियर, वन क्लास इज़ डोमिनेटिंग अदर क्लासेस। और ये जो वन क्लास डोमिनेशन और अदर क्लासेस है, ये पास्ट टाइम से चलती आई है, चाहे वो बड़ी सिविलाइजेशन क्यों ना थी, वहाँ एक क्लास रूल कर रहा था तो दूसरा कभी कभार वो आवाज़ें उठाते थे और उस क्लास को आउट क्लास करते थे, ओवर थ्रो करते थे। तो वन क्लास वॉज डोमिनेटिंग ओवर दी अनदर क्लास। तो ये चीज़ें जो चलती आ रही है पास्ट हिस्ट्री में, अब भी ये चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इसमें एक क्लास उसके खिलाफ फिर आवाज़ क्यों उठती है? क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, नीड फॉर रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन तब हो जाते हैं व्हेन सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल चेंजेस जो होती है, स्टेट उनके साथ पेस नहीं रखती है, स्टेट उनके उन चेंजेस के साथ जो डेवलपमेंट्स है वो नहीं रख पाती है। तो व्हेन सोसाइटी और नेशन इज फेलिंग
इन कीपिंग पेस विद द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस रिवोल्यूशन इज बाउंड टू आकर। सो क्लास स्ट्रगल में जब ये मिसयूज ऑफ पावर हो जाता है, सोसाइटी पेस नहीं रखती है डेवलपमेंट्स के लिए, तो वहाँ पर रिवोल्यूशन हो जाता है और जो क्लास वार वहाँ पर होती है दो क्लास के बीच वो स्टार्ट हो जाती है। वो क्लास वार खत्म कब होती है? जब रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, जब रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, जब वहाँ जो अथॉरिटी होती थी, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मतलब होनी चाहिए थी, उनका मिसयूज किया जाता था। फिर जब ये रिवोल्यूशन हो जाता है, इसमें जब वर्किंग क्लास या गवर्निंग क्लास जिन पे रूल किया जाता है, वो ये इस रिवोल्यूशन में, इस बैटल फील्ड में डेमोक्रेसी की जंग जीत जाते हैं, उसके बाद कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और पावर नहीं होती है, तब जाके वहाँ सारे एक होते हैं। वहाँ न फिर क्लास अपर या लोअर होता है और न ही वहाँ हेव्स हैव नॉट्स या कैपिटलिस्ट या वर्कर्स होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्टेट्स विदरिंग अवे से हो जाता है क्लासलेस सोसाइटी और क्लासलेस स्टेट। क्लासलेस स्टेट, सो क्लास स्ट्रगल में आ जाता है क्लास डोमिनेशन, और ये जो क्लास डोमिनेशन है, इट हैज़ बीन इन द वर्ल्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। तो पास हिस्ट्री में भी यही है, एक क्लास ने दूसरे क्लास पे डोमिनेट किया है। और ये क्लास डोमिनेशन की वजह से जब एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती है, तो वहाँ क्लास वार हो जाती है, और ये क्लास वार जब हो जाती है, तो वहाँ पर रिवोल्यूशन इज बाउंड टू आकर। और अकॉर्डिंग टू मार्क्स, रिवोल्यूशन आकर्स नॉट बिकॉज ऑफ पीस फिल मीन्स बट बिकॉज ऑफ फोर्स, बट बिकॉज ऑफ फोर्स। इसके अलावा मटेरियलिज्म में भी वो यही बताता है, जो हिस्टोरिकल जो इसकी मटेरियलिज्म थी कार्ल मार्क्स की, उसमें भी वो बताता है चेंजेस आती है सोसाइटी में, और वो चेंजेस क्या होती है, वो चेंजेस होती है वो रिवोल्यूशन की जानिब ले जाती है। लेकिन ये मटेरियलिज्म में ये रिवोल्यूशन क्यों आ जाता है? क्योंकि रिवोल्यूशन के आने से पहले वहाँ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती है, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती है। एज जैसे मैंने आपको बता दिया, जो कार्ल मार्क्स की स्टेट थी जिसका उन्होंने तज़किरा किया है, तो उसमें वो बताता है जो वर्किंग क्लास होती है, उनसे अगर कुछ अमाउंट फिक्स किया जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको क्या किया जाता है, एक लेबरर के लेबर से कुछ पैसे काट दिए जाते थे, कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज काट दिया जाता था। क्यों काट दिया जाता था? क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट है, ये समझता था इट इज़ माई लेजिटिमेट राइट एंड इट इज़ माई प्रॉफिट, और नतीजा ये था, वो होता था उसका सरप्लस वैल्यू, और इससे एक्सप्लॉयटेशन होती थी किसकी, लेबरर का जो राइट था, जो उसने कमाया था, उसका जो लेबर का प्रोड्यूस, जो उसने प्रोड्यूस किया, उसकी जो कमाई थी, उसमें से भी उसको काट दिया जाता है, और उसको लेजिटिमेट राइट समझता था एक कैपिटलिस्ट। तो वहां पर ये कंसंट्रेशन थी, ये एक्सप्लॉयटेशन थी। तो जब ये एक्सप्लॉयटेशन मटेरियलिज्म, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज मनी, आपने इतना काम किया, आपने किस लिए किया, पैसे के लिए, टू अर्न योर लाइवलीहुड, तो एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। तो वहां पर वो मनी मैटर्स क्या था, वहां पर मनी मैटर्स ओनली फॉर कैपिटलिस्ट नॉट फॉर लेबरर्स, एज लेबरर्स वर बीइंग एक्सप्लॉयटेड ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट और बुर्जुआजी। तो वहां पर जब वो एक्सप्लॉयट करते थे, सो लेटर ऑन चेंज वॉज बाउंड टू आकर, एंड दैट चेंज आकर्ड थ्रू रिवोल्यूशन व्हेन देयर वॉज डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटराइट, व्हेन देयर वॉज डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटराइट। प्रोलेटराइट को हम कह सकते हैं मजदूर पेशा क्लास या वर्किंग क्लास। लेकिन वहां पर जो ये प्रोलेटराइट्स या लेबरर्स या वर्कर्स थे, दे वर हैविंग द वीकनेस। उनकी वीकनेस क्या थी? उनकी वीकनेस ये थी, क्लास केम इनटू बीइंग, जो ये क्लासेस होते हैं, दे आर कमिंग इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ये क्लासेस बनते हैं प्रोडक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, उनकी फैक्ट्रीज होती है, तो फैक्ट्रीज में उनको मजदूर चाहिए, तो वो वर्कर्स या लेबरर्स को वहां पर काम पे लगाते हैं, यानी एम्प्लॉय उनको करते हैं। लेकिन अबे लेबरर कैसे जिंदगी गुजारते हैं, ये इन्हीं फैक्ट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड। वो कैसे अपनी लाइवलीहुड कमाएंगे, वो दिन भर काम करते हैं, अब वो खाएंगे क्या, वो वही खाते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रोड्यूस के बदले में उनको कुछ मुआवजा दिया जाता है। जो भी मुआवजा दिया जाता था वो लिमिटेड होता था, वो लिमिटेड इसलिए होता था ताकि ये क्या करें, ये थोड़ा सा जो इन्होंने परचेज किया इसी में से, जो इन्होंने प्रोड्यूस किया इसी में से थोड़ा सा ये परचेज करें। तो उनको ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे, इनको कम पैसे दिए जाते थे ताकि वो कुछ खरीदे अपनी पेट पालने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अनलेस जो लेबर होता था, अनलेस लेबर इज परचेज, जब तक लेबर परचेज नहीं होता था, लेबर इज बाउंड टू स्टार्व। उसको क्या होता था, उसको पाकाकशी होती थी जब तक वो मुआवजा नहीं लेता था और अपना प्रोड्यूस किया हुआ चीज अपने लिए नहीं लेता था, और वो अपने लिए ज्यादा नहीं ले सकता था, एज ही वॉज नॉट पेड सो मच, ही वॉज पेड इन अनलिमिटेड वे।
और जितना उसको दिया जाता था वो उससे कितना लेता था, कितना खरीदता था, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खरीद सकता था, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खरीदता, ज़्यादा क्वांटिटी में ये परचेज करता तो वो चीज़ों को कहाँ रखता फिर? उनके पास वो स्टोर्स नहीं थे, तो वो अपने लेबर को स्टोर नहीं कर सकते थे, वो खराब हो सकता था, वो खराब हो सकता था। दैट इज़ वाई वो क्या करता था, वो जो कमाता था उसी में से वो क्या करता था, उसी में से वो परचेज करता था, इसी में से वो परचेज करता था। तो वहां पर इनकी ये प्रॉब्लम थी, जो लेबरर्स थे दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सेलिंग देयर लेबर, वो हमेशा ये चाहते थे हमें जिंदा रहने के लिए, एक तो हम मजदूरी करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ खाना है, तो अपना प्रोड्यूस किया हुआ चीज वो क्या करते थे, वो उसी को परचेज करते थे, और वो ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा मकदार में परचेज भी नहीं कर पाते थे क्योंकि वो स्टोर नहीं रख सकते थे। और इसके बाद ये क्लास स्ट्रगल में आ जाती है सेल्फिशनेस ऑफ कैपिटलिस्ट्स। कल मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि सोशो इकोनॉमिक या पोलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हो या डिफेंस सिस्टम या प्रिजनर्स हो, पुलिस हो, जो भी डिसिप्लिन या स्टेट ये इंस्टीट्यूट्स हो, ये सारे होते हैं रूलिंग क्लास के अंडर। तो यहाँ पर जो सेल्फिशनेस ऑफ कैपिटलिस्ट थी वो ये थी, उनका उनके सिस्टम पे जो कंट्रोल था, तो सिस्टम पे जो वो कंट्रोल रख रहे थे उसकी वजह से वो किसी भी डिपार्टमेंट पे डोमिनेशन रखते थे। उनकी जो डोमिनेशन हर एक सिस्टम, हर एक इदारे, हर एक डिपार्टमेंट पे थी सिस्टम में, तो वहाँ पर हर एक इदारे से जो भी असूल या प्रिंसिपल्स बनते थे उससे सिर्फ कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट प्रमोट होता था, वर्किंग क्लास का इंटरेस्ट वहाँ प्रमोट नहीं होता था। जो प्रिंसिपल्स हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूट हो, इकोनॉमिक या पोलिटिकल इंस्टीट्यूट हो, जो भी वहाँ प्रिंसिपल्स या रूल्स बनते थे, दे वर टोटली डायरेक्टेड अगेंस्ट दी वर्किंग क्लास एंड दे वर ओनली प्रमोटिंग दी सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट। जिस तरह हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखते हैं, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्यों वजूद में आया? क्योंकि वहाँ पर हाईलाइट हुआ जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स है, चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ज़्यादा अमीर देशों को जो ये प्रिंसिपल्स इन इंस्टीट्यूट्स के हैं, इन प्रिंसिपल्स से ज़्यादा फायदा और वोटिंग राइट्स है सिर्फ अमीर देशों को, और इनसे कोई साउदर्न वर्ल्ड को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो देयर वॉज एन एक्सप्लॉयटेशन एज फार एज दिस वर कंसर्न। तो इसी तरह यहाँ पर जो सेल्फी, तो वहाँ पर अमीर देशों की सेल्फिशनेस है, इसी तरह यहाँ कैपिटलिस्ट की सेल्फिशनेस कैसी थी, वो सारे सिस्टम पे काबिज थे, तमाम डिपार्टमेंट्स उनके कंट्रोल में थे, और जब तमाम डिपार्टमेंट्स उनके कंट्रोल में थे उसकी वजह से वो वैसी पॉलिसी बनाते थे कि उनका इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट प्रमोट होता था। जब उनका सेल्फिश इंटरेस्ट प्रमोट होता था और उनकी पॉलिसी उन डिपार्टमेंट्स की ऐसी थी, उनके सेल्फिश इंटरेस्ट यहाँ से प्रमोट होता था और वहाँ से जो वर्किंग क्लास था वो टोटली वो पॉलिसीज उनके अगेंस्ट थी, उनके अगेंस्ट थी। सो लॉज वेर टोटली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, सो देयर वॉज द प्रमोशन ऑफ सेल्फिशनेस, देयर वॉज द प्रमोशन ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट एज दे वेर कंट्रोलिंग द होल सिस्टम, वेदर सोशल इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक और पोलिटिकल इंस्टीट्यूट हो। लेकिन वहां पर एक स्टेज आ जाता है, जो कैपिटलिज्म है इट इज एनकरेजिंग प्रोलिटेरियट ऑर्गेनाइजेशन, जो ये वर्किंग क्लासेस की ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको वो कहीं ना कहीं एनकरेज करते हैं। कैसे एनकरेज करते हैं, जो कैपिटलिज्म होते हैं, जो कैपिटलिस्ट बड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल हो ये बढ़े। वो पहले अपने स्टेट, अपने होम में देखते हैं कि हमारा यहाँ पर कारोबार बढ़े, जब उनका कारोबार बढ़ेगा तो उनको ज़्यादा एम्प्लॉय, ये लेबर्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, वो वहाँ पर उनको रोज़गार देते हैं। फिर उसके बाद ये सोचते हैं ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कैपिटलिस्ट्स हैं छोटे बड़े, वो उन सब का यहाँ पर लोकल, डोमेस्टिक या नेशनल लेवल पर कारोबार है। लेकिन कुछ ऐसे इतने अमीर एलीट्स होते हैं, वो चाहते हैं हमारा जो कारोबार है ये फॉरेन कंट्रीज़ में जाए। जब उनका कारोबार फॉरेन कंट्रीज़ में चला जाता है तो वहाँ पर भी वो वर्कर्स को लगाते हैं, लेकिन जो छोटे कैपिटलिस्ट्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द बिग कैपिटलिस्ट्स। जब वो बड़े कारोबारियों के साथ, जब वो बड़े कैपिटलिस्ट क्लास के साथ छोटे कैपिटलिस्ट कंपीट नहीं कर पाते थे, तो बिलाकर एक वक्त आता था जब वो किन के साथ मिल जाते थे, जब वो भी वर्किंग क्लासेस के साथ मिल जाते थे, और यहाँ से हो जाती थी, क्या हो जाती थी, एनकरेजमेंट ऑफ प्रोलेटराइट ऑन द पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। लेकिन ये कौन से कैपिटलिस्ट थे, ये वो कैपिटलिस्ट थे जो अनेबल रहते थे, जिनको कुव्वत नहीं रहती थी टू कम्पीट विद द बिग कैपिटलिस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट, इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो वी कैन से कैपिटलिज्म इज एनकरेजिंग टू सम एक्सटेंट इन वन वे आर द अदर वे प्रोलेटेरियट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपको ये पता है, इट टेक्स टू मेक्स अ क्वारल, इट टेक्स टू मेक्स अ क्वारल मतलब एक हाथी ताली नहीं बजती। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस ऑफ हेव्स एंड हेव नॉट्स है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ हेव्स एंड हेव नॉट्स है। तो जो हेव्स है, जो कैपिटलिस्ट है, दे कॉन्ट लीव देयर लाइव्स विदाउट हेव नॉट्स,
कैपिटलिस्ट्स कांट सर्वाइव इन द सोसाइटी विदाउट वर्कर्स, बर्जुआजी कांट सर्वाइव विदाउट प्रोलेटेरियन। अमीर गरीब के बगैर नहीं रह सकता और नहीं गरीब अमीर के बगैर नहीं रह सकता। अब यह अलग बात है कौन किसको एक्सप्लॉइट करे, लेकिन देयर वॉज ऑलवेज इंटरडिपेंडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ क्लासेस, चाहे कोई ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था और कोई ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर ये बाउंड था, बोथ वर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन ऑन ईच अदर, अदर ऑन ईच अदर देवर बाउंड। उसके बाद जो एक और पॉइंट इसमें आ जाता है, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जो मॉडर्न सिस्टम है कैपिटलिज्म का, इट हैज़ आउटलाइव विद इट्स यूटिलिटी, इट हैज़ रिजल्टेड इन ओवर प्रोडक्शन एंड विच रिक्वायर्स डिस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा तादाद में आपने प्रोडक्ट बनाए, अब इसको तबाह करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ओवर प्रोडक्शन आपने की और इसकी डिस्ट्रक्शन कैसे हो जाएगी, ड्यू टू इनर इनस्टेबिलिटी, ड्यू टू इनर इनस्टेबिलिटी। क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो कैपिटलिज्म है अकॉर्डिंग टू मार्क्स या मार्क्सिस्ट, ये जो कैपिटलिज्म है इट इज़ सोविंग द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। कैपिटलिज्म है जो है इट इज़ सोविंग इट्स सीड्स ऑफ ओन डिस्ट्रक्शन, इट इज़ सोविंग इट्स सीड्स ऑफ ओन डिस्ट्रक्शन। तो व्हाट कैन बी द काजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको बता दिया देर इज़ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मोनोपोली, वो एक काज है, लोकल कंसंट्रेशन वो भी काज है, वाइडर मार्केट्स, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इंक्रीज इन मिजरी, ये कुछ चार या पांच काजेज है जो काजेज बन जाते हैं कैपिटलिज्म के। अब ये कैसे काजेज बन जाते हैं कैपिटलिज्म के डिस्ट्रक्शन के, आई विल टेल यू। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन या मोनोपोली है, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो कैपिटलिस्ट होता है ये चाहता है मेरा कारोबार फले, वो फैल जाए, फले फूले लोकल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर, नेशनल लेवल पर और एट द एंड इंटरनेशनल लेवल पर। तो लोकल से लेकर नेशनल लेवल तक जो स्मॉल कैपिटलिस्ट है, दे वेर ऑलवेज एबल टू कम्पीट विद द बिग कैपिटलिस्ट एज फार एज द मार्केट इन एट लोकल एट डोमेस्टिक एट नेशनल लेवल वॉज कंसर्न। तो वो उनके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, लेकिन जो ये बिग कैपिटलिस्ट होते हैं ये चाहते हैं कि हमारा जो कारोबार है वो नेशनल लेवल से क्रॉस होकर इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ जाए। तो इंटरनेशनल लेवल तक ये बिग कैपिटलिस्ट्स का कारोबार जब चलता है, तो जो लोकल लेवल जो स्मॉल कैपिटलिस्ट्स होते हैं, दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद द बिग कैपिटलिस्ट्स एट द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल लेवल तक ये छोटे कैपिटलिस्ट जो है ये कम्पीट नहीं कर पाते हैं, ये बड़े कैपिटलिस्ट्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से जो स्मॉल कैपिटलिस्ट्स होते हैं, देयर नंबर इज गेटिंग इंक्रीज स्लोली एंड स्टडीली, और वो क्या बन जाते हैं, जिस चीज़ को वो एनकरेज करते हैं, जब वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं बिग कैपिटलिस्ट्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट में, वो स्लोली क्या बन जाते हैं, वो वर्किंग क्लास में आ जाते हैं, वो इनको एनकरेज करते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मोनोपोली राइट्स, जब बिग कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हम जाएँ, तो जो छोटे कैपिटलिस्ट होते हैं वो इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं, और नतीजे ये निकलता है छोटे कैपिटलिस्ट का इंक्रीज नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड स्लोली एंड स्टेडली वो क्या बन जाते हैं, वो प्रोलेटेरियंस बन जाते हैं, वो वर्किंग क्लास में आ जाते हैं, वो वर्किंग क्लास में आ जाते हैं। ये एक रीजन बन जाता है जो कैपिटलिज्म है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरी जो इसकी रीजन है खत्म होने की, तबाह होने की कैपिटलिज्म के, वो है लोकल कंसंट्रेशन। तो लोकल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो ये कैपिटलिस्ट होते हैं, ये बहुत सारी फैक्ट्रीज तामीर करते हैं, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज को रन करने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको ज़्यादा मजदूर चाहिए। जब ये मजदूर लगाते हैं, जब ये वर्कर्स को लगाते हैं, तो डेफिनेटली बात है एक फैक्ट्री के मजदूर दूसरी फैक्ट्री के मजदूरों के साथ कंटैक्ट में आ जाते हैं। धीरे धीरे जब लोकल लेवल पर सारी फैक्ट्रियों के मजदूर आपस में कंटैक्ट में आ जाते हैं, तो इनकी जो हो उजागर हो जाती है क्लास कॉन्शियसनेस, इनके कंटैक्ट आ जाते हैं, एक दूसरे को ये एनकरेज करते हैं, हिम्मत देते हैं, और उसके बाद क्या हो जाती है, इनके बीच म्यूचुअल कॉपरेशन होती है। जब इनके बीच म्यूचुअल कॉपरेशन होती है इन वर्किंग क्लासेज के बीच, तमाम जो लोकल लेवल के फैक्ट्रीज में वर्किंग क्लास होते हैं, इनके बीच जो ये कॉपरेशन होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे एक खतरा बन जाता है रूलिंग यानी कैपिटलिस्ट क्लास के लिए, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए। तो लोकल कंसंट्रेशन भी इसके लिए एक रीजन है, हाउ इट इज गेटिंग डिस्ट्रक्टेड रादर। तो जो तीसरा है, तीसरा काज है, वो है वाइडर मार्केट्स। जो लोकल कंसंट्रेशन थी वह मैंने आपको बता दिया, लोकल लेवल पर जो फैक्ट्रीज में ये
वर्किंग क्लासेस होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो वो है लोकल लेवल की बात, जब लोकल कंसंट्रेशन होती है। यहाँ पर है वाइडर मार्केट्स। वाइडर मार्केट्स मतलब मार्केट्स एट द इंटरनेशनल लेवल। जब इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट्स बन जाते हैं, फैक्ट्रीज बन जाते हैं, तो उन फैक्ट्रीज में भी कौन काम करेगा? कैपिटलिस्ट थोड़ी वहाँ काम करेगा, दे आर इन द कंट्रोल। तो वहाँ भी ये काम करते हैं, क्या बोलते हैं इनको, लेबरर्स या वर्किंग क्लास, इंटरनेशनल लेवल पर भी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो जिस तरह लोकल लेवल पर ये आपस में कंसंट्रेट हो, ये कॉन्टैक्ट में आ जाते थे, ऑर्गेनाइज होते थे, क्लास कॉन्शियसनेस बढ़ जाती थी, एनकरेजमेंट इनकी आपस में बढ़ जाती थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती थी, तो इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर जब वाइडर मार्केट्स बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये जो वर्किंग क्लास होते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर इनकी कॉपरेशन जब बढ़ जाती है, वहाँ से जो पिलर्स ऑफ कैपिटलिज्म है वो ट्रम्बल हो जाते हैं, वो ट्रम्बल हो जाते हैं। तो दैट इज वाइडर मार्केट। उसके बाद बन जाती है एक क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये जो लेबरर्स होते हैं, दे आर कंस्टिट्यूटिंग द ग्रेट बॉडी ऑफ कंज्यूमर्स। फैक्ट्रीज जो हैं उनमें ज़्यादातर काम करते हैं कंज्यूमर, ये लेबरर्स। और फैक्ट्रीज में जो, क्योंकि ये जो एलीट क्लास है, कैपिटलिस्ट होती है, हमेशा कम तैदाद में होते हैं। जो इन फैक्ट्रीज में कारोबारी होते हैं, वो ज़्यादा तैदाद में होते हैं। और जब वो ज़्यादा तैदाद में है, तो डेफिनेट सी बात है, जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनता है, उसके ज़्यादा कंज्यूमर यही लेबरर्स होते हैं। और इनको पैसे इतनी दिए जाते थे टू परचेज ओनली अ वेरी लिमिटेड पोर्शन ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। इनको लिमिटेड पैसे दिए जाते थे ताकि ये पूरा प्रोडक्ट ना खरीदे, ये कम ही खरीदे। जब वो कम ही खरीदते थे, कैपिटलिस्ट भी खुद कम ही तादाद में थे, तो वहां पर जो लार्ज स्केल में वो प्रोडक्शन करते थे, उसमें थोड़ा सा कैपिटलिस्ट अपने लिए रखता था, थोड़ा सा जो वर्कर्स थे वो खरीदते थे। और जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन बन जाती थी, तो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस की बच जाती थी। और जब वो बच जाती थी, तो वो अंदर ही अंदर स्टोर्स में सड़ जाती थी, अंदर ही अंदर स्टोर्स में सड़ जाती थी। दैट इज क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट इज क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो एक्यूमुलेशन वहां पर हो जाती थी। जो वहां पर ज्यादा चलता था, वो यही कि जो प्रोडक्ट स्टोर हुआ, ये आउटडेट, इनवैलिड हो जाता था, एक्सपायर हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते थे, क्योंकि उनका जो सेविंग्स होती थी, चाहे वो अमाउंट की फॉर्म में था या प्रोड्यूस की फॉर्म में, जो प्रोड्यूस उन्होंने चीज़ें कराई थी फैक्ट्रीज में, वो अंदर ही अंदर सड़ जाते थे। तो उसकी वजह से भी कैपिटलिज्म डिस्ट्रक्शन हो रही थी, खत्म हो रहा था कैपिटलिज्म। इसके अलावा लास्ट पे जो है कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, दैट इज इंक्रीज इन मिजरी, इंक्रीज इन मिजरी। जब ये चीज़ें बढ़ जाती है, जब ये मिजरी, मिजरेबल कंडीशन या मिजरी बढ़ जाती है, तो ये सिर्फ बढ़ती है इसलिए ताकि मिट जाए, ताकि ये मिट जाए। और इसीलिए इंक्रीज इन मिजरी, व्हेन एक्सप्लॉयटेशन वाज इंक्रीजिंग, जब एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो रही थी, व्हेन सोसाइटी, व्हेन नेशन, व्हेन दे वर नॉट, व्हेन दीज थिंग्स, इंस्टीट्यूट्स वर नॉट कीपिंग पेस विद द सोशल, पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, विद द चेंजेस अराउंड, जब इनके साथ पेस नहीं रखते थे, और एक तो ये पेस नहीं रखते थे, और दूसरा कंसिस्टेंट एक्सप्लॉयटेशन वॉज गोइंग ऑन विद द क्लास ओवर विच डोमिनेशन वॉज बींग डन ऑन द पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट हमेशा डोमिनेट रहा था वर्किंग क्लास पे या प्रोलेटराइट क्लास पे, तो एक दिन आता था जब ये क्या होते थे, इंटरनेशनल लेवल पे इनके मजदूरों के बीच कॉपरेशन थी, लोकल लेवल पर इनके बीच कॉपरेशन थी, छोटे कैपिटलिस्ट इनके साथ मिल जाते थे, और उसके बाद क्या हो जाता था, वो काम छोड़ हड़ताल पे जाते थे। जब वो स्ट्राइक पे जाते थे, हड़ताल पे जाते थे, या वो काम करने से मतलब साफ इनकार करते थे, तो उसके बाद क्यों करते थे इनकार, क्योंकि मिजरेबल कंडीशंस बढ़ रही थी, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रही थी, इकोनॉमिक राइट स्नैच हो रहे थे। तो उसके बाद क्या हो जाता था, वहां पर रिवोल्यूशन वॉज बाउंड टू आकर। जब रिवोल्यूशन आ जाता था, तो वहां पर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट हो जाती थी, और यूं कैपिटलिज्म अपने आप डिस्ट्रक्ट हो रही थी। तो ये वो रीजंस है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स एंड हिज क्लास स्ट्रगल, एंड विद दैट वी कंक्लूडेड दिस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एंड वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो।